नमस्कार दोस्तों, OTT One में आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं हम आज की वीडियो की कुछ खास हाइलाइट्स। साउथ हीरोज के साथ बनेगी इन हसीनाओं की जोड़ी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस हैं जो अब साउथ की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। बॉलीवुड की इन हसीनाओं ने अपनी अगली फिल्मों के लिए साउथ हीरोज पर दांव लगाया है। इस लिस्ट में हम उन एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं जो जल्दी ही तेलुगु और तमिल फिल्म स्टार्स के साथ जोड़ी बनाकर दर्शकों को रिझाने की तैयारी में है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लिस्ट में पहला नाम है प्रभास और दीपिका पादुकोण का। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण जल्दी ही सुपरस्टार प्रभास के साथ फिल्म प्रोजेक्ट के में नजर आने वाली है। इस फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में अच्छा खासा बज बना हुआ है। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म प्रोजेक्ट के एक बिग बजट फिल्म है। अब लिस्ट में अगला नाम है श्रीनिवास बेल्लमकोंडा और अदाकारा नुसरत का। बॉलीवुड अदाकारा नुसरत भरूचा और श्रीनिवास बेल्लमकोंडा की फिल्म जल्दी ही थिएटर पहुंचने वाली है। ये साउथ स्टार श्रीनिवास बेल्लमकोंडा की पहली बॉलीवुड फिल्म है। अब लिस्ट में अगला नाम है दिशा पटानी और सूर्या का। साउथ स्टार सूर्या के साथ अदाकारा दिशा पाटनी जल्दी ही सूर्या की बैदालसवीं फिल्म में नजर आने वाली है। अदाकारा दिशा पाटनी की ये पहली तमिल फिल्म है। इस फिल्म का टाइटल कंगुवा रखा गया है। अब लिस्ट में अगला नाम है जूनियर NTR और जाह्नवी कपूर का। फिल्म स्टार जूनियर NTR और जाह्नवी कपूर की भी फिल्म का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। दोनों सितारे निर्देशक कोरताला शिवा की फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म का नाम फिलहाल NTR 30 बताया जा रहा है। अब लिस्ट में अगला नाम है रामचरण और कियारा आडवाणी का। अदाकारा कियारा आडवाणी जल्दी ही सुपरस्टार रामचरण की फिल्म गेम चेंजर में नजर आएंगी। पहली दफा ये दोनों सितारे साथ काम कर रहे हैं। अब लिस्ट में अगला नाम है जाह्नवी कपूर और रामचरण का। खबर है कि फिल्म स्टार जाह्नवी कपूर जल्दी ही रामचरण की अगली फिल्म में नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों RC16 में काम कर सकती हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। हम बॉलीवुड के सितारों की वेब सीरीज और फिल्मों के बारे में और अधिक दिलचस्प अपडेट के साथ वापस आएंगे।